हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि डिफरेंट स्टेट में हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सॉलिड ब्लॉक्स एक्सेट्रा का क्या प्राइस चल रहा है करेंट ईयर यानी कि 2022 में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वेरी फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास है सीमेंट। तो जानते हैं कि 2022 में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है झारखंड स्टेट में। तो सबसे पहला हमारे पास ब्रांड है दोस्तों, अल्ट्राटेक सुपर सीमेंट। तो अगर आप इसको झारखंड में इसको परचेस करते हो करेंट ईयर यानी कि 2022 में, तो ये आपको मिलेगा अराउंड ₹340 पर बैग। और आपको मालूम होगा सीमेंट का पर बैग का वेटेज होता है 50 kg। दूसरा हमारे पास है ACC सीमेंट, जिसका एक वेरिएंट आता है F2 और सुपर फास्ट, जो काफ़ी ज़्यादा ऑन साइड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसको अगर परचेस करते हो तो ये आपको मिलने वाला है ₹360 पर बैग। थर्ड हमारे पास है दोस्तों अंबुजा OPC। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो अगर आप इसको झारखंड में 2022 में परचेज यानी करेंट ईयर में लेने का सोच रहे हो तो ये आपको पड़ने वाला है ₹330 पर बैग। और लास्टली मैं आपको बताने वाला है JP सीमेंट। तो JP सीमेंट इन तीन कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये आपको ₹285 पर बैग के हिसाब से मिलेगा। और ये सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश का जो वेटेज होता है वो इन तीनों से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये सीमेंट थोड़ा सस्ता मिलता है मार्केट में। तो JP सीमेंट अगर आप झारखंड के वासी हो और उसको परचेस करने वाले हो करेंट ईयर में, तो वो आपको ₹285 पर बैग के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सेकंड बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास है स्टील। और स्टील की बात करें तो टाटा टिस्कॉन को कौन नहीं जानता। टाटा टिस्कॉन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टील की इंडिया में, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्टील बनाती आ रही है। उसके बाद है दोस्तों कामधेनु, देन जिंडल, देन JKTMT बास। ये चार ऐसे कंपनीज है जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी की स्टील मार्केट में लेकर आते हैं। तो अगर इनको आप परचेस करने जाते हो अभी झारखंड में करेंट ईयर में, तो अभी इसका जो प्राइस है वो चल रहा है दोस्तों 65 से लेकर 70 रुपये पर केजी के हिसाब से, 60 to 70 rupees पर केजी। और दोस्तों, अगर आप लोकल ब्रांड में लेने जाओगे तो वो आपको अराउंड पड़ जाएगा 55 to 60 rupees पर केजी। बट कंस्ट्रक्शन में आज कोशिश करना चाहिए कि जो स्टील है वो अच्छी क्वालिटी के लो, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये चार कंपनी में से किसी भी कंपनी का स्टील मंगवा कर अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स का क्या रेट चल रहा है। तो ब्रिक में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है क्ले ब्रिक यानी कि रेड ब्रिक, और दूसरा होता है दोस्तों फ्लाई ऐश ब्रिक। तो वन बाय वन देखते हैं कि इसका क्या प्राइस है झारखंड में। तो अगर आप क्ले ब्रिक झारखंड में परचेस कर रहे हो, लाल ईंट या फिर रेड ब्रिक जिसको बोलते हो, तो ये आपको पड़ने वाला है 7 से 8 रुपये पर पीस के हिसाब से करेंट टाइम में। और अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक परचेस करने जाते हो मार्केट में, तो रेड ब्रिक के मुकाबले ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाता है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक आपको मार्केट में मिल जाएगा 4 से 5 रुपये पर पीस के हिसाब से। झारखंड के लगभग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो ऑन एन एवरेज आपको इतना ही प्राइस लगने वाला है। उसके बाद है दोस्तों सॉलिड ब्लॉक। तो सबसे पहले सॉलिड ब्लॉक में प्राइस जानते हैं कॉन्क्रीट ब्लॉक का। तो कॉन्क्रीट ब्लॉक का जो प्राइस है दोस्तों वो है ₹46 पर यूनिट, या फिर आप बोलो पर पीस। झारखंड में इसको आप परचेस करोगे तो एक पीस का जो आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा ₹46। दूसरा होता है दोस्तों मड ब्लॉक। मड ब्लॉक कॉन्क्रीट ब्लॉक के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखता है। यहाँ पे मड ब्लॉक का जो रेट चल रहा है झारखंड में वो चल रहा है ₹58 पर पीस या फिर पर यूनिट। अब बात करते हैं दोस्तों सैंड का क्या हिसाब किताब चल रहा है झारखंड स्टेट में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास रिवर सैंड। तो रिवर सैंड अगर आप झारखंड में इस टाइम अगर परचेस करने जाते हो तो ये आपको मार्केट में मिलेगा ₹1400 पर टन के हिसाब से। आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ आपको यही रेट मिलने वाला है, 1400 पर टन। दूसरा आता है दोस्तों हमारे पास क्रश सैंड, जिसको हम लोग एम सैंड के नाम से जानते हो। तो इसका जो रेट है झारखंड में चल रहा है अभी फिलहाल वो है ₹1000 पर टन, ₹1000 पर टन के हिसाब से एम सैंड आपको झारखंड में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के बारे में। तो इन जनरल जो 10 mm का एग्रीगेट, 20 mm और 40 mm के साइज़ का जो एग्रीगेट होता है ना, उसे ही इन जनरल हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के यूज़ में लाते हैं। तो अगर आप करेंट ईयर में झारखंड में इसको लेने जाते हो तो ये आपको ₹55 से लेकर ₹70 पर CFT यानी कि क्यूबिक फिट के हिसाब से आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप ब्रास में इसको लेना चाहते हो तो यही आपको पड़ जाएगा फिर 5500 से लेकर 7000
पर ब्रास। और आपको मालूम होगा 100 CFT इज इक्वल्स टू होता है 1 ब्रास। तो अगर आप CFT के हिसाब से लोगे तो ये आपको 55 रुपये से लेकर 70 रुपये पर CFT मिलेगा, और अगर आप ब्रास के हिसाब से लेना चाहते हो तो ये आपको 5,500 से लेकर 7,000 पर ब्रास के हिसाब से मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल दोस्तों, वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का जो प्राइस चल रहा है झारखंड में 2022 में, वो चल रहा है दोस्तों ₹20 to ₹25 पर kg। आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर वाइट सीमेंट लेने जाते हो तो मार्केट में आपको ये 20 से 25 रुपये पर kg के हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बनते हैं पुट्टी के बारे में। तो पुट्टी अगर आप झारखंड में परचेस करने जा रहे हो करेंट टाइम में, तो ये आपको 12 रुपये से लेकर 15 रुपये पर kg के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मोरम। तो मोरम अगर आप झारखंड में परचेस करने जाओगे दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा ₹1,800 पर ब्रास के हिसाब से। और मोरम आपको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैंकेटिंग मटेरियल एंड बैकफिलिंग मटेरियल है। तो झारखंड में अगर आप इसको परचेस करते हो अभी, तो ये आपको 1,800 रुपये पर ब्रास के हिसाब से मार्केट में मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों कि पेंट का रेट क्या चल रहा है हमारी स्टेट झारखंड में। और जब बात पेंट का होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही कंपनी का नाम आता है, जी हाँ, एशियन पेंट। क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि फिर दूसरे ब्रांड को लेने का दिल ही नहीं करता। तो एशियन पेंट का देखते हैं कि हम लोग का क्या रेट चल रहा है झारखंड में। बेसिकली इसका जो रेट है वो सब जगह स्टेबल ही है, आप झारखंड में लो या कहीं आओ। वैसे दोस्तों एशियन पेंट बहुत सारे वेरियंट लेकर आता है मार्केट में, बट जो टॉप क्लास के वेरियंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों एपेक्स, तो ये आप अगर मार्केट में लेते हो तो ये 150 से लेकर 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल जाता है। सस्ता है दोस्तों और बहुत अच्छा क्वालिटी भी आपको देता है। दूसरा इससे एपेक्स से थोड़ा महंगा है, वो है अल्टीमा। तो अगर आप इसको लेने जाओगे तो ये आपको पड़ेगा 240 रुपये पर लीटर के हिसाब से। और इन दोनों से भी जो महंगा है थोड़ा, वो है प्रीमियम। लेकिन इसका जो क्वालिटी, जो इनका जो टेक्स्चर होता है पेंट का, वो काफ़ी शानदार होता है। तो अगर आप प्रीमियम परचेस करने जाते हो तो ये आपको 350 रुपये पर लीटर के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। एट लास्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों टाइल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास आता है दोस्तों फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स को अगर आप करेंट ईयर 2022 में झारखंड स्टेट से परचेस करोगे दोस्तों, तो ये आपको 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि टाइल्स की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर फीट। तो अगर आप फ्लोर टाइल्स झारखंड से परचेस करते हो तो ये आपको 36 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। दूसरा आता है दोस्तों मार्बल। फ्लोर टाइल्स से थोड़ा सस्ता है दोस्तों, मार्बल आप झारखंड में अगर परचेस करने जा रहे हो तो ये 26 रुपये से लेकर 28 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और लास्टली है दोस्तों ग्रेनाइट, जो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। उसका जो रेट है झारखंड में हमारा, वो है 70 से लेकर 75 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टाइल्स था वो भी एंड होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक मैं पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ, आज मैंने झारखंड के बारे में बोला। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उस स्टेट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपके स्टेट में बिल्डिंग मटेरियल का क्या प्राइस चल रहा है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। थैंक यू।